वेलकम टू दिस वीडियो। तो इस वीडियो में हम एनटीए का जो मॉक टेस्ट है, आपको पता ही होगा कि सीटीयूजी 2023 के लिए मॉक टेस्ट आ चुका है। ये फाइनेंस का है मॉक टेस्ट, जिसको आज हम सॉल्व करेंगे। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन एग्जाम में हमको 10 छोड़ने होते हैं और 40 करने होते हैं। और एक क्वेश्चन होता है वो 5 नंबर का होता है, तो टोटल 200 मार्क्स के पेपर होते हैं। और ये एमसीक्यू होते हैं, और इसका सिलेबस आप लोगों को पता होगा, एनसीईआरटी से ही आता है पूरा। तो ये इसका मॉक टेस्ट है, तो आज हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। लास्ट तक बने रहिएगा, इसके सबके आंसर्स हैं और ये वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है, तो स्किप मत करिएगा। तो ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें पूछना है कि गॉसिप पेंटिंग के पेंटर या आर्टिस्ट कौन है। तो आप सबको पता हो गॉसिप के आर्टिस्ट एनएस बिंद्रे हैं। तो हम ऑप्शन बी है, हम चूज पे क्लिक करते हैं और फिर सेवन नेक्स्ट करते हैं। इसमें सेवन नेक्स्ट कर देने पे वो सेव हो जाता है, ऑप्शन लॉक हो जाता है और फिर वो नेक्स्ट हो जाता है। उसको बाद में हम चेंज कर सकते हैं, वैसा ये नहीं है, लेकिन सेव हो जाता है। और अभी सेकंड क्वेश्चन है, हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया एंड अमीर खुसरो पेंटिंग जो है वो किस उपशैली से बिलोंग करती है या किस उपशैली से है। तो आप लोगों को पता है कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया जो है वो हैदराबाद से है, डेक्कन के अंदर आती है। तो फोर्थ ऑप्शन का सही है। देखिए यहाँ पे चार ऑप्शन दिए हुए हैं, सेव एंड नेक्स्ट यानी कि सेव हो जाएगा ऑप्शन और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे। क्लियर रिस्पॉन्स यानी कि जो आपने सेलेक्ट किया है वो हट जाएगा। सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू यानी कि आप किसी एक क्वेश्चन में आपको डाउट कैंसिल लगा रखे हैं आप, और आपको डाउट है कि वो शायद सही अगर लास्ट में रिसेक करना चाहते हैं, तो आप इस पर कर सकते हैं सेव एंड मार्क फॉर रिव्यू पर। मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट यानी कि आपको लग रहा है कि इसका आंसर हमको याद आ जाएगा या फिर हमको पता चल सकता है, तो फिर आप इसको मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग को पता है कि हज़रत औलिया जो है वो हैदराबाद से, हम सेव एंड नेक्स्ट करते हैं फोर्थ ऑप्शन लगा के। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे सामने आ रहा है, इसमें पूछ रहा है आइडेंटिफाई द पेंटिंग विच वॉज पेंटेड बाई राजा रवि वर्मा ने, कौन सी पेंटिंग को बनाया है। तो हमें पता है कि जो हल्दी ग्राइंडर्स हैं वो अमृता शेरगिल का है, मदर टेरेसा एम एस हुसैन का है, और द वल्चर है वो कमलेश दत्त का है, और रामा वेंकटेशन की प्राइड ऑफ द ओशन ये राजा रवि वर्मा की पेंटिंग है, यानी कि राम समुद्र का मर्मर्दन करते हुए। तो डी ऑप्शन सही है यानी कि तीसरा सही है। और राजा रवि वर्मा जानते हैं आप कि वेस्टर्न टेक्निक में काम करते थे, ऑयल कलर का यूज़ करते थे, और पौराणिक भारतीय जो पौराणिक चीज़ें हैं उसको ड्रॉ करते थे और गॉड्स को ड्रॉ करते थे। तो ये इनकी मेन खासियत कह सकते हैं इनके आर्ट वर्क में। क्वेश्चन नंबर 4 है, इन विच मुगल एम्पायर द सूटीनामा द पैरट टेल्स वॉज पेंटेड, किस मुगल शासक के टाइम में सूटीनामा का पेंट किया गया था। तो आप लोगों को पता है कि बाबर आया था, तो वो अपने शासन को यहाँ पे स्टेबल करने में रह गया था, फिर युद्ध युद्ध में बिजी हुआ था, उसके टाइम में कोई पेंटिंग वर्क नहीं हुआ। हुमायूं जो था वो विस्तार करने में लगा रहा, उसमें भी कुछ पेंटिंग नहीं हुई। और अकबर जो था हुमायूं का बेटा, उसके टाइम में काफ़ी ग्रंथ चित्रण हुए थे, तो ये सूटीनामा भी उसी के टाइम में बना था। इसमें तोते की कहानी है, तोते की प्रेम कथा ऐसे कहते हैं। और क्वेश्चन नंबर 5 है, हु इज़ द आर्टिस्ट ऑफ पेंटिंग शिव एंड सती, शिव एंड सती जो पेंटिंग है उसके आर्टिस्ट कौन है। तो नंदलाल बोस हैं, और इनको शिव सिद्ध कलाकार भी कहते हैं, इन्होंने शिव जी के ऊपर काफ़ी सारी पेंटिंग्स करी हैं, इसीलिए इनको शिव सिद्ध कलाकार भी कहते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाएंगे, क्वेश्चन नंबर 6, इसमें क्या पूछ रहा है, विच स्टेटमेंट इज ट्रू अबाउट द मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग, मुगल स्कूल ऑफ मिनिएचर पेंटिंग के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो इसमें ए में दिया है बैटल सीन, यानी कि मुगल टाइम में बैटल सीन युद्ध के दृश्य बने हैं, तो हाँ बने हैं, काफ़ी ग्रंथों में युद्ध के दृश्य बने हैं। नेचर एनिमल एंड बर्ड सीन, तो ये भी बने हैं पशुओं के पक्षियों के, जैसे उस्ताद मंसूर का है फैलकन ऑन बर्ड रेस और जैबरा, ये सारी पेंटिंग है। कोर्टियर डिपिक्शन यानी कि दरबारी दृश्य को भी दिखाया गया, तो हाँ ये यानी कि ये तीनों हुआ है, तो ऑल ऑफ द अबव यानी कि फोर्थ ऑप्शन से हो जाएगा, सेव एंड नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, हु वाज द पेंटर ऑफ जर्नी पेंट, यात्रा के अंत के चित्रकार का नाम क्या था। तो यात्रा का अंत आप लोगों को पता है कि अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था, ये 1913 में बना था, और इसमें कैमल है, सेव एंड नेक्स्ट। क्वेश्चन नंबर 8, आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ अ फेमस पेंटिंग फ्रॉम मॉडर्न इंडियन आर्ट पेंटेड बाय एम एफ हुसैन वेयर फेसलेस फिगर ऑफ अ वुमन हैज बीन शोन हीलिंग एंड नर्शिंग द हेल्पलेस पीपल। एम एफ हुसैन की पेंटिंग है जिसमें चेहरा रहित एक वुमेन को दिखाया गया है जो कि हीलिंग एंड नर्सिंग का काम कर रही है असहाय लोगों के। तो आप लोगों को पता है कि मदर एंड चाइल्ड जो है वो एम एफ हुसैन का नहीं है, वो यामिनी रॉय का है। वर्ड एंड इमेजेस भी नहीं है, बर्थ ऑफ पॉटर भी नहीं है, तो मदर टेरेसा जो है वो एम एफ हुसैन की है। तो सेवन नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, इसने पेंटिंग को दिया है और पेंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस टाइप के भी क्वेश्चन आएंगे, यानी कि पेंटिंग दे देगा फिर उससे डिटेल का उसकी डिटेल पूछ सकता है। तो इसमें पूछ रहा है कि द क्वीन प्लेइंग पोलो इन दिस मिनिएचर पेंटिंग इज़, यानी कि इस पेंटिंग में कौन सी रानी जो है जो पोलो खेल रही हैं। तो हम लोग को ये पता होना चाहिए कि जो पेंटिंग है वो डेक्कन में आती है और वो गोलकोंडा की है, चांद बीबी प्लेइंग पोलो। तो इसमें चांद बीबी हैं वो पोलो खेल रही हैं, तो फोर्थ ऑप्शन सही हो जाएगा, सेवन नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, मोहम्मद शाह एंड साहिबराम पेंटर्स बिलोंग टू विच सब स्कूल ऑफ राजस्थान, मोहम्मद शाह और साहिबराम राजस्थान के किस उपशैली के अंतर्गत आते हैं। ये दोनों पेंटर्स हैं जो कि जयपुर उपशैली के अंतर्गत आते हैं, जब आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा जयपुर के अंदर इन्होंने काम किया। तो हम 11 क्वेश्चन पर आते हैं,
और ये क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द थीम ऑफ द स्कल्पचर चतुर्मुखी वॉज मेड बाय एका यादगिरी राव फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। यानी कि चतुर्मुखी जो है उसका उसमें क्या शो करना चाहें एका यादगिरी राव, तो फेसेस ऑफ द लाइफ ऑफ प्लांट यानी कि पौधे का जीवन नहीं, एनिमल का नहीं, और किसी आदमी का तो ये भी नहीं है, फेसेस ऑफ द लाइफ ऑफ अ वुमेन वो स्त्री जीवन को उसमें दर्शाए हैं, तो ये सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आप लोगों को पता होगा कि इसके चार पलक हैं, इसकी हाइट 13 फीट है और ये एक ही पत्थर को काट के बनाया, यानी कि एकाश पत्थर का यूज करके बनाई गई है, जिसमें एक स्त्री के मतलब एक जो लड़की होती है उसका बचपन, फिर उसका युवावस्था, फिर शादी, फिर उसमें बुढ़ापा, ऐसे मतलब सब दिखाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मैच द फॉलोइंग। अब यहाँ पर मैच द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन आ गए हैं, तो इसमें लिस्ट ए का लिस्ट बी से मैच करना है। तो राधा बनी ठनी, उसके आर्टिस्ट हैं निहाल चंद, किशनगढ़ के अंदर बनी है। बाबर क्रॉसिंग द रिवर सोन, ये अकबर के टाइम में बना हुआ है। मैरिज प्रोसीजर अदारा सिको, हाजी मार्टनी और जहांगीर होल्डिंग द पिक्चर ऑफ मडेना, यानी कि अबुल हसन की ही है। तो इसमें थोड़ा ध्यान से आप लोग मैच करके फिर इसके बाद यहाँ ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, कि कभी कभी ऑप्शन सेलेक्ट करने में ही गलती हो जाती है। मैच तो हम सही कर लेते हैं लेकिन जल्दी में ऑप्शन हम लोग गलत सेलेक्ट कर लेते हैं। तो इसमें ए का थर्ड है, ए का थर्ड एक ही ऑप्शन में है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी और भी मैच कर लीजिए अच्छे से, टाइम आपके पास पूरा रहता है। और क्वेश्चन नंबर 13, इसमें पूछ रहा है, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन आइडेंटिफाई द पेंटिंग ऑफ जी आर संतोष विच हैज़ बीन कंपोज यूजिंग लॉट ऑफ सिमेट्रिकल फॉर्म्स। जी आर संतोष या गुलाम रसूल संतोष की पेंटिंग को पहचानना है जिसमें उन्होंने बहुत सारे ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स का यूज़ किया है या बनाया है। तो जी आर संतोष की एक ही पेंटिंग है जो हमारे सिलेबस में है, वो तांत्रिक पेंटिंग है, एनसीईआरटी में अनटाइटल करके दिया हुआ है। तो ये सी वाला जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, तांत्रिक पेंटिंग। क्वेश्चन नंबर 14, Identify the title of the print done by famous printmaker Krishna Reddy. Krishna Reddy ने कौन से छापा चित्र को बनाया है? चिल्ड्रन नहीं है कि ये सोमनाथ थोर का है, वर्लपूल भवर कृष्णा रेड्डी का है, ऑफ वॉल्स दीवारों के सरोकार अनुपम सूद का है, मैन वुमेन एंट्री के लक्ष्मण गौर, यानी कि कृष्णा रेड्डी का वर्लपूल है या भवर है, तो भी ऑप्शन सही है। तो दो पे टिक मार के 7 नेक्स्ट कर देंगे। केयरफुली क्वेश्चन को पढ़ना है अच्छे से, फिर उसका ऑप्शन जो है वो लगाना है ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 15, आइडेंटिफाई द फेमस आर्टिस्ट फ्रॉम बंगाल स्कूल हु मेड यूज ऑफ लैंग्वेज एंड सिंटेक्स ऑफ क्यूबिस्ट टू रेंडर हिज आइडियाज इन आर्ट। बंगाल स्कूल के वो कौन से आर्टिस्ट थे जिन्होंने क्यूबिस्ट का यूज़ किया है? तो भारत में जो क्यूबिस्ट के जनक माने जाते हैं वो गगनेंद्रनाथ टैगोर हैं, और बंगाल स्कूल में वही थे जिन्होंने सबसे पहले क्यूबिस्ट का यूज़ किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन है, ए ऑप्शन है गगनेंद्रनाथ टैगोर, जिनका सत्येंद्र नाइट और कोई द्वारका मजिशियन पेंटिंग्स हैं हमारे सिलेबस में। फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 7 नेक्स्ट करते हैं। 16 क्वेश्चन, तो ये रहा 16 क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द टाइटल ऑफ द स्कल्पचर मेड बाय डीपी राय चौधरी विच डिपिक्स फोर वुमेन ट्राइंग टू मूव अ रॉक रेंडरिंग द इंपॉर्टेंस एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमन लेबर इन नेशन बिल्डिंग। डीपी राय चौधरी की उस पेंटिंग उस स्कल्पचर को पहचानिए जिसमें चार व्यक्ति एक पत्थर को ढकेलने का खिसकाने का प्रयास कर रहे हैं, जो कि ये दर्शाता है कि एक नेशन यानी कि एक राष्ट्र को बनाने में कितने परिश्रम की कितनी आवश्यकता होती है। तो ये डीपी राय चौधरी की जो है वो श्रम की विजय है स्कल्पचर, ट्रिम्फ ऑफ लेबर, बहुत ही फेमस है और बहुत इंपॉर्टेंट भी है। 1959 में मरीना बीच ओरिजिनल वाली मरीना बीच पे लगी है, 1954 में बनी थी और ये ब्रॉन्ज में है और इसका बेस जो है वो सीमेंट में है, तो याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 17, मिनिएचर पेंटिंग वर डन विद मिन्यूट डिटेल्स, एट टाइम सिंगल हेयर ब्रश वॉज यूज फॉर डिटेलिंग, आइडेंटिफाई द कलर मीडियम दैट वॉज यूज फॉर पेंटिंग। यानी कि मिनिएचर पेंटिंग में कौन से कलर यूज़ किए जाते थे? उस टाइम ऑयल एक्रिलिक कलर था ही नहीं, साइनेटिक कलर का यूज़ किया नहीं जाता था, उस टाइम नेचुरल कलर से खनिज का उपयोग किया जाता था, तो सी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, द कॉन्टेक्स्ट ऑफ मिनिएचर पेंटिंग्स आइडेंटिफाई व्हाट काइंड ऑफ फेसेस वर मोस्ट कॉमन इन द पेंटिंग। यानी कि मिनिएचर पेंटिंग्स में कैसे चेहरे बहुत ज़्यादा दिखाए गए हैं या बहुत ज़्यादा यूज़ किए गए हैं, तो एक चश्म चेहरा या साइड फेसेस या प्रोफाइल फेस का ज़्यादा यूज़ किया गया है, तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, आइडेंटिफाई अ पेंटिंग फ्रॉम डेकन मिनिएचर स्कूल वेयर अ रिवर्ड सूफी सेंट ऑफ 13th सेंचुरी इज लिसनिंग टू म्यूजिक बीइंग प्लेड बाय हिज डिसिपल। तो ये स्टार्टिंग में भी आया था कि सूफी संत जो थे हजरत निजामुद्दीन औलिया, वो अपने जो उनका शिष्य था उसका अंगे खुसरो उसकी गीत को सुनते हैं संगीत को, तो ये डेकन है हैदराबाद से, तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है हजरत निजामुद्दीन औलिया अंगे खुसरो सही हो जाएगा। तो सी टेक मारते हैं, 7 नेक्स्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 20, और ये आइडेंटिफाई द आर्टिस्ट ऑफ द फेमस मिथोलॉजिकल पेंटिंग राम एंड कृष्ण द साइड ऑफ द ओशन। एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं क्वेश्चन, तो राम समुद्र का मदमर्दन करते हुए पेंटिंग ये कौन बनाया था? तो राजा रविवर्मा बनाए थे। और क्वेश्चन नंबर 21, आइडेंटिफाई द प्रिंट फ्रॉम मॉडर्न इंडियन आर्ट विच इज बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ अवेकिंग ऑफ कुंडलिनी। आधुनिक काल का वो कौन सा प्रिंट है, छापा चित्र है, जिसमें कुंडलिनी जागरण के बारे में बताया गया है, उसे संबंधित है? तो चिल्ड्रन नहीं है, वर्लपूल भी नहीं है, ऑफकोर्स भी नहीं है, देवी देवी ज्योति भट्ट द्वारा बनाई गई है और ये कुंडलिनी जागरण या फिर नारी शक्ति से रिलेट करती है। नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 22,
द फेमस मुगल पेंटिंग टाइटल मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको, दारा शिको हैज बीन शोन माउंटेड ऑन अ ब्राउन स्टैलियन विद ट्रेडिशनल सहरा, ही इज अकॉम्पनीड बाय विच अदर फेमस फिगर ऑफ मुगल डायनेस्टी। मैरिज प्रोसेशन ऑफ दारा शिको में दारा शिको के अलावा और कौन से शासक को दिखाया गया है? तो दारा शिको के टाइम में अकबर जहांगीर की डेथ हो चुकी थी, तो ये दोनों ऑप्शन होगा ही नहीं। बहादुर शाह जफर थानी, उसके साथ उसके पापा यानी कि शाहजहां थे, जिनको व्हाइट घोड़े पर बैठा दिखाया गया, जो कि कवच पहने और नीचे से पैर रेड कलर का है। क्वेश्चन नंबर 23, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द टू पैनियर आर्टिस्ट फ्रॉम पर्शिया हुआ इन्वाइटेड बाई हुमायूं इन हिज कोर्ट। तो इसमें थोड़ा ध्यान से पढ़िए कि ये पर्शिया से दो आर्टिस्ट का नाम पूछ रहा है जो हुमायूं के दरबार में बुलाए गए थे, ठीक। तो ये शाह मुजफ्फर, यहाँ पे कन्फ्यूजन हुआ कि शाह मुजफ्फर और बेहजाद वो भी पर्शियन आर्टिस्ट थे, पर वो बाबर के टाइम में आए थे, और हुमायूं के टाइम में मीर सैयद अली एंड अब्दुल समद शिराजी आए थे। तो सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 24, Identify the painting from Deccan Miniature School which depicts popular sports played during that time। यानी कि Deccan Miniature School की कोई वो पेंटिंग बताइए जिसमें उस टाइम का जो प्रचलित खेल था उसको खेलते हुए दिखाया गया है। तो चांद भी प्लेइंग पोलो एक ही पेंटिंग है ऐसे खेल वाली Deccan में, तो ये भी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, मैच द फॉलोइंग आ गया। अर्ली मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग, यानी जो पहले की मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग थी वो ताड़पत्र पर बनती थी, तो यहाँ पे ए का थर्ड पाम लीफ सही हो जाएगा। वुडन कवर्स ऑफ द अर्ली मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग, जो उनके कवर्स होते थे लकड़ी के, उनको पटलीज बोलते थे। तो फर्स्ट ऑप्शन जो है बी का सही हो जाएगा, बी का फर्स्ट, ए का सेकेंड। और नीमतनामा, नीमतनामा बुक ऑफ डेलिशियस यानी कि रेसिपी की किताब थी पाकशास की, तो सी का फोर हो जाएगा। और पाल डायनेस्टी ये वेस्ट बंगाल की थी, तो डी का टू हो जाएगा। तो यहाँ पे डी ऑप्शन, ए का थर्ड, बी का वन, सी का फोर, डी का टू, ये डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसको सेवन एक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, मैच द फॉलोइंग, ये इंडियन फ्लैग से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया है, ये बेसिक क्वेश्चन है तो सबको पता होगा और सब सही करेंगे ऐसा लगता है। सैफ्रॉन कलर जो है वो सेक्रीफाइजिंग एंड करेज के लिए जाना जाता है, यानी कि ए का थर्ड। वाइट कलर जो है वो ट्रुथ एंड पीस के लिए, यानी कि बी का फर्स्ट। ग्रीन कलर जो है वो हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि सी का फोर। और अशोक चक्र जो है वो 24 आवर ऑफ द डे प्रेजेंट करता है, यानी कि ए का थर्ड, बी का फर्स्ट, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ये फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 27, इसमें भी मैच द फॉलोइंग दिया है और ये ग्राफिक वाले से, मॉडर्न वाले से है। वर्लपूल यानी कि भंवर कृष्णा रेड्डी का है, यानी कि ए का टू। चिल्ड्रन बच्चे सोमनाथ होर का है, बी का फोर। देवी ज्योति भट्ट का या ज्योतिन्द्र मान शंकर भट्ट, सी का फर्स्ट। ऑफ वॉल्स या दीवारों के सरोकार, ये अनुपम सूद का है, यानी कि डी का थ्री। तो इसमें सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा, सेवन एक्स करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, Identify the famous artist from Bengal school who is known as the father of folk legends in India. His painting was influenced by folk painting of Bengal. यानी कि बंगाल स्कूल के उन आर्टिस्ट का नाम बताया जिन्होंने भारतीय जो लोक कला थी उसको उसका पुनर्जागरण किया, और जिनकी पेंटिंग जो थी वो बंगाल की लोक कला से प्रभावित थी। यहाँ पे लोग गलत करेंगे बहुत ज़्यादा, क्योंकि बंगाल स्कूल को पुनर्जागरण, जो बंगाल स्कूल का पुनर्जागरण का श्रेय है वो अवनींद्रनाथ टैगोर को जाता है, उन्होंने भारतीय कला का पुनर्जागरण किया था। लेकिन यहाँ पे पूछा है फॉक रिनेसेंस यानी कि लोक कला, यानी कि जिनकी पेंटिंग में लोक कला एग्जिस्ट थी बंगाल की, तो वो यामिनी रॉय थे या जामिनी रॉय, जो वहाँ के काली घाट के जो पटचित्र थे उससे इन्फ्लुएंस थे। यहाँ पे बी ऑप्शन यानी सेकंड वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, तो सेवन नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, आइडेंटिफाई द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मिनिएचर पेंटिंग, मिनिएचर पेंटिंग की जो मुख्य विशेषता है वो क्या है? तो ए ऑप्शन, ए जो है ए पॉइंट, वो मोस्टली प्रोफाइल पिक्चर पर ड्रॉन, यानी कि एक चश्म चेहरे का अधिकतम चित्रांकन किया गया है, तो ए ऑप्शन सही है। कैनवास पर यूज, यानी कैनवास पर यूज़ बिल्कुल नहीं हो सकता उस टाइम, तो कैनवास नहीं था, तो बी गलत है। सी यानी कि कपड़ों में पारदर्शिता दिखाई गई थी, तो सी भी सही है। ब्राइट एंड कॉन्ट्रास्टिंग कलर यानी कि चटक रंगों का प्रयोग था, तो डी भी सही है। और लीनियर क्वालिटी यानी कि बहुत कम क्वालिटी या बहुत कम डिटेल्स दिखाई गई थी, तो ये गलत है, यानी कि ए सी डी सही है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, नेक्स्ट कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 30, आइडेंटिफाई द नेम ऑफ दिस ओपन एयर लार्ज स्केल स्कल्पचर क्रिएटेड बाय रामकिंकर बेस। द स्कल्पचर शोज अ मैन कैरिंग हिज चिल्ड्रन इन अ डबल बास्केट एंड हिज वाइफ एंड डॉग वॉकिंग अलॉन्ग साइड। दिस स्कल्पचर इज प्लेस्ड इन द कंपाउंड ऑफ शांतिकला भवन शांति निकेतन, यानी कि वो खुली हवा में एक ऐसा स्कल्पचर है जिसको रामकिंकर बेस बनाए हैं, और उसमें एक आदमी अपने बच्चों को जो एक दो बास्केट जो है उसमें लेके जा रहा है अपने कंधे पर रख के, और उसकी जो वाइफ है और एक कुत्ता उसके अगल बगल दिखाए गए हैं चलते हुए, और ये जो स्कल्पचर है वो कला भवन में, शांति निकेतन कला भवन में रखा हुआ है लाइफ है। तो संथाल फैमिली जो है वो रामकिंकर बेस की है, ओपन एयर, ये सीमेंट एंड कंक्रीट यानी कि बहुत ही मॉडर्न प्रोडक्ट बनाई गई है, और इसको क्या कहते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत मॉडर्न के अंदर आती है, सेवन नेक्स्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, मैच द फॉलोइंग, इसमें मिनिएचर से पूछा है। फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस यानी कि वो फैल्कन ऑन अ बर्ड रेस कौन बनाया था? तो उस्ताद मंसूर बनाया था। पोर्ट्रेट पेंटिंग वह प्रमोटेड बाई, यानी कि शबीर चित्र किसके द्वारा प्रमोट किया गया था? तो अकबर के द्वारा प्रमोट किया गया था। कबीर एंड रायदास पेंटिंग किसके टाइम बनी थी? तो शाहजहां के टाइम बनी थी। दारा शिकोह बनाया था और रामदास बनाए थे।
और सॉरी उस्ताद फकीरुल्ला खान थे वो बनाया था कबीर एंड रायदास। कृष्णा विद गोपीज जो कि बसोहली के टाइम बनी थी, बसोहली में मानकू ने बनाया था। तो शायद अनबॉर्डर्स यानी उस्ताद मंसूर के का थर्ड बी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, चूज द ऑप्शन दैट डिस्क्राइब द सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्विंग इन मेकिंग अ मिनिएचर पेंटिंग। तो इसमें स्टेप्स के लिए पूछ रहा है कि जो मिनिएचर पेंटिंग बनाने के जो स्टेप्स थे उनको सही ऑर्डर में करना है। तो सबसे पहले हस्त जो हैंडमेड पेपर्स थे उनको चिपका के वसली बनाई जाती थी। तो बी ऑप्शन वसली वाज प्रिपेयर्ड यूजिंग शीट्स ऑफ हैंडमेड पेपर ग्लूड टुगेदर, बी ऑप्शन सबसे पहले रहेगा। फिर आउटलाइन वाज स्केच्ड ऑन वर्ली यूजिंग ब्लैक और ब्राउन, फिर आउटलाइन बनाई जाती थी ब्लैक और ब्राउन कलर से। फिर कलर वर फील्ड बाई सैम्पल पैचेस, फिर कलर उसमें भरे जाते थे। फिर गोल्ड एंड सिल्वर पेंट अप्लाइड ऑन डिजायर्ड एरिया, फिर गोल्ड और सिल्वर पेंट जो था वो लगाया जाता था। फिर लास्ट में बर्निशिंग की जाती थी, उसको एक पत्थर से घिसा जाता था। यानी कि बी ए सी डी ई बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 33, चूज द स्टेटमेंट विच बेस्ट डिस्क्राइब द मिनिएचर पेंटिंग। कौन सा स्टेटमेंट है जो मिनिएचर पेंटिंग को सही तरह से डिस्क्राइब कर रहा है। तो दे दीज आर स्मॉल साइज पेंटिंग डन ऑन पाम लीव्स ऑफ पेपर, ये छोटे साइज की पेंटिंग होती हैं जो ताड़पत्र या पेपर पर बनती हैं। हाँ, ये सही है, डिस्क्राइब कर रहा है। देयर आर मॉडर्न पेंटिंग्स, नहीं मॉडर्न पेंटिंग्स नहीं है। दिस पेंटिंग आर डन बाय जॉइनिंग स्मॉल पीसेस ऑफ सिरेमिक टाइल्स, ये भी नहीं है। दिस पेंटिंग्स आर लार्ज फ्रेस्को, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो ए ऑप्शन सही है, तो फर्स्ट वाला टिक लगेगा। और सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34, मैच द फॉलोइंग है। देवी देवी ज्योति भट्ट का है, पिछले भी आया था। ऑफ वॉल्स दीवारों के सरोकार, अनुपम सूद, चिल्ड्रन बच्चे, सोमनाथ हौरे, मैनू मिनट्री, के लक्ष्मा गौड़। तो ए का फोर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नंबर 35, आइडेंटिफाई द सब स्कूल ऑफ राजस्थानी मिनिएचर पेंटिंग। राजस्थानी शैली के उप शैलियों को इसमें पहचानना है। मेवाड़ एंड बूंदी राजस्थानी के अंदर आती हैं, बसोली एंड कांगड़ा पहाड़ी में आती हैं, बीजापुर एंड हैदराबाद डेक्कन में आती हैं, गोलकुंडा अहमदनगर ये भी डेक्कन में आती हैं। लेकिन मेवाड़ एंड बूंदी ऑप्शन नंबर ए सही है। सेवन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट, वन इज लेबल्ड एज अशोसन एंड अदर इज लेबल्ड एज रीजन। तो अशोसन क्या दिया हुआ है, अभिकथन। अमरनाथ सहगल जो कि एक विख्यात स्कल्पचर हैं, उन्होंने ब्रॉन्ज में क्राइज अनहर्ड या अनसुनी सीखें मूर्ति शिल्प को बनाया। और उसमें जो स्कल्पचर है वो एक फैमिली यानी परिवार को दिखाता है जो रो रहे हैं और उनकी जो चीखें हैं वो बहरे कानों में जा रही है, यानी कि उनकी चीखों को सुनने वाला कोई नहीं है। और इसका कारण क्या दिया गया है, द टाइटल ऑफ द स्कल्पचर क्राइस्ट अनहर्ड या अनसुनी चीखें जिसका शीर्षक है, वो उसमें दिखाए गए जो फिगर हैं उनके मोशन जो उनका हाथ है वो ऊपर की ओर है और वो ऐसे चीखते चिल्लाते से बनाए गए हैं, इस वजह से उसका टाइटल अनसुनी चीखें रखा गया। तो दोनों स्टेटमेंट सही हैं और ये अच्छे से उसकी व्याख्या भी कर रहा है, यानी कि बोथ ए एंड आर आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। एंड सेवन नेक्स्ट करेंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 37, द मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग वर इनिशियली पेंटेड ऑन विच सरफेस। मनुस्क्रिप्ट पेंटिंग किससे बनाई जाती थी, तो यहाँ पे पेपर का ऑप्शन नहीं है, पाम लीव है यानी ताड़पत्र है, तो इससे बनती थी। सी ऑप्शन थर्ड ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 38, आइडेंटिफाई द फेमस पेंटिंग फ्रॉम मॉडर्न इंडियन आर्ट पेंटेड बाई कमलेश दास पांडे विच डिपिक्ट्स द लेवल ऑफ रॉबरी या दहेज प्रथा को दिखाती है कमलेश दास की पेंटिंग। तो वल्चर है, द वल्चर, गिद्ध, किलर ऑफ द शायर नंदलाल बोस की है, खेत जोता किसान, ऑफ वॉल सरगुन की, क्राइस अनहर्ड, अमरनाथ सहगल की। तो यहाँ पे सेवन एक्स कर देंगे, फर्स्ट ऑप्शन सही है उसका। क्वेश्चन नंबर 39, आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट टीचर ऑफ हल्दी ग्राइंडर पेंटेड बाई अमिता सहगल। यानी कि हल्दी तीसरी महिलाएं जो हैं उनके बारे में पूछा है जो अमिता शेरगिल बनाई गई हैं, अमिता शेरगिल ने बनाई है। एक पॉइंट कह रहा है, तो पेंटिंग डिपिक्ट्स द अर्बन लाइफ स्टाइल यानी कि शहरी जीवन को दर्शाती है, तो नहीं, वो ग्रामीण दृश्य को दर्शाती है। बी ऑप्शन है, द पेंटिंग रिफ्लेक्ट्स द मैसिव पावर ऑफ द रूरल वुमेन। जो पेंटिंग है वो ग्रामीण महिलाओं की जो शक्ति है उसको दर्शाती है। तो हाँ सही, क्योंकि वो हल्दी अपने हाथ से पीसती है मशीन से नहीं, तो वो उनकी शक्ति को दर्शा रही है। तो बी ऑप्शन सही है। थ्री वुमेन आर पोर्ट्रेड इन द सेंटर ऑफ द पेंटिंग एंड वन वुमेन बिहाइंड द थ्री। तीन जो महिलाएं हैं वो बीच में सेंटर बनाई गई हैं और एक महिला को पेंटिंग बनाया गया, तो ये भी सही है। और 10 ट्रीज आर शोन, नहीं नहीं है, पेंटिंग इज मेड इन वॉश टेक्निक, वॉश में नहीं बनी, ऑयल में बनी, यानी कि बीस भी सही है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40, आइडेंटिफाई एज कल्चर फ्रॉम मॉडर्न इंडियन पीरियड विच शोज अ पुअर फैमिली इज स्ट्रेच अपवर्ड एंड इज क्राइंग फॉर हेल्प। दूसरे पिछले क्वेश्चन से ये भी मैच करता हुआ है, क्राइंग फॉर हेल्प, अपवर्ड, स्ट्रेच आर्म्स, यानी कि ये क्राइज अनहर्ड अनसुनी चीखें हैं अमरनाथ सहगल की, जो कि 1958 में बनाई गई है ब्रॉन्ज से, और ये नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट या नगमा में अभी है, रखी हुई है अपनी कलेक्शन में। क्वेश्चन नंबर 41, रीड द पैराग्राफ केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन, यानी कि पैराग्राफ पढ़ के आंसर देना है। ये पेंटिंग वॉश टेक्निक में बनी गई है, जो कि एक सहज और मिस्टी एक्सप्रेशनेट लैंडस्केप यानी कि लैंडस्केप को दिखा रही है। दिस क्वालिटी ऑफ हेजी एटमोसफेयर सजेस्ट एंड ऑफ लाइफ, अ कोलैप्स एनिमल यानी कि एक बैठा हुआ या जानवर में दिखाया गया है, और लाल रंग का बैकग्राउंड है, और मतलब जो दिखा रहा है कि सफ़र करने के बाद जो दिन का आखिरी समय होता है वो उसको शो कर रहा है। और इसमें हाँ, द आर्टिस्ट हैज़ कैप्चर्ड द पोर्ट्रेट एंड नैरेटेड विद द हेल्प ऑफ सिम्बॉलिक एस्थेटिक,
ऑन वन हैंड एंड लिटरली इलूजन ऑन अदर। तो ये पेंटिंग जो है वो जर्नी एंड है अवनींद्रनाथ टैगोर की यात्रा का अंत। नेक्स्ट करेंगे 42 क्वेश्चन, सेम पैराग्राफ पे फिर क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसमें क्वेश्चन पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई द नेम ऑफ द आर्टिस्ट, यानी कि उसके आर्टिस्ट कौन है। अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था 1913 में और ये भी नगमय कलेक्शन में है। और क्वेश्चन नंबर 43, इसमें भी सेम पैसेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। क्वेश्चन क्या है, आइडेंटिफाई द एनिमल, इसमें कौन सा एनिमल दिखाया गया है ओवरबर्न एंड टायर्ड, जो थका हारा था उसमें दिखाया गया। तो कैमल इसमें दिखाया गया है, जो कि येलो और ब्राउन टाइप का है। क्वेश्चन नंबर 44, सेम पैराग्राफ से ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। आइडेंटिफाई द कलर मीडियम ऑफ द पेंटिंग फ्रॉम द गिवन डिस्क्रिप्शन, इसमें कौन से कलर का यूज़ किया गया है। तो इसमें आपको ऊपर बता दें कि वॉश टेक्निक में, और वॉश टेक्निक वाटर कलर में होती है, और बंगाल में वाटर कलर बहुत फेमस था। अवनींद्रनाथ टैगोर वॉश जो करते थे वो जापान से सीखे थे, जापानीज आर्टिस्ट थे, और जापान से वो इंडिया आई थी और बंगाल स्कूल वॉश टेक्निकली फेमस है। तो डी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा इसका। यानी कि देख रहे हैं आप, एक पैसेज से ये कई सारे क्वेश्चन पूछ दे रहा है, ऐसे भी क्वेश्चन आएंगे। और फिर सेम पैसेज से इसमें पूछा है आइडेंटिफाई द मेजर कलर कॉम्बिनेशन, इस पेंटिंग में कलर कॉम्बिनेशंस कौन से यूज़ किए गए हैं, किन किन कलर कॉम्बिनेशन यूज़ किए गए हैं। तो हम लोग को ये चाहिए कि हम लोग पेंटिंग्स को अच्छे से देखें, ध्यान से देखें, उनको याद करें, पेंटिंग्स को भी याद करना है। तो इसमें हरा बिल्कुल नहीं है, पिंक भी नहीं है, पर्पल का भी यूज़ नहीं किया गया है। इसमें रेड, ऑरेंज, ब्राउन एंड येलो ऑकर का यूज़ किया गया, यानी कि ए ऑप्शन सही है। तो फर्स्ट पर टिक मारेंगे। सेवन नेक्स्ट पे क्वेश्चन नंबर 46, अब यहाँ पे पैसेज जो है वो बदल गया है, अब ये फ्लैग से आ गया है। तो इंडियन नेशनल फ्लैग जो कि ग्लोरी है इंडियन पीपल की और सिंबल है हमारी आइडेंटिटी की, और इसमें हमारे जो झंडे में तीन रंग की स्ट्रिप्स होती हैं और अशोक चक्र बीच में होता है। ऑल द कलर्स हैव देयर सिंबॉलिक मीनिंग, सभी कलर्स के उनकी एक अपना महत्वपूर्ण अर्थ होता है। और ये जो झंडा है हमारा वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी द्वारा इंडियन नेशनल फ्लैग के रूप में 22 जुलाई 1947 को स्वीकारा गया था। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, अशोक चक्र इन द फ्लैग हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ दिस पिलर, जो अशोक चक्र है वो किस पिलर से लिया गया है। तो वो सारनाथ का जो पिलर है उससे उस अशोक चक्र को लिया गया है, जो हमारे भारत के झंडे में है। तो यहाँ का ए ऑप्शन सही हो जाएगा। सेवन नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 47, ये भी सेम पैसेज से ही पूछा जा रहा है फ्लैग वाले। इसका क्वेश्चन क्या है, इसका क्वेश्चन है नेशनल फ्लैग इज नोन एज ट्रिकलर, यानी कि तिरंगा कहते हैं, वो क्यों कहते हैं। तो इसमें तीन कपड़े हैं, नहीं ये खादी से बनता है, तीन धर्म को भी नहीं दिखाता है, तीन कम्युनिटी को भी नहीं दिखाता है, इसमें तीन रंगों का प्रयोग किया गया है, इसलिए इसको तिरंगा कहते हैं। तो डी ऑप्शन सही हो जाएगा। और फिर सेवन नेक्स्ट करते हैं, इसमें कंफ्यूज करा गया है आपको कि तीन धर्मों को दिखाता है, तीन कम्युनिटी को दिखाता है, लेकिन हमें कंफ्यूज नहीं होना है, हम सॉलिड आंसर याद करते हैं। और यहाँ पे सेम पैसेज फिर से पूछा गया, आइडेंटिफाई द करेक्ट सिंबॉलिक मीनिंग ऑफ द कलर्स ऑफ आवर नेशनल फ्लैग, यानी कि जो उनका अर्थ है वो बताना है। तो सैफ्रॉन जो है वो बलिदान यानी और साहस का प्रतीक है, यानी करेज। वाइट जो है वो शांति और सत्य का प्रतीक है, यानी कि पीस। ग्रीन जो है वो समृद्धि का है, तो प्रॉस्पेरिटी, यानी कि सी ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। सेवन नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 49, सेम पैसेज से क्वेश्चन पूछा जा रहा है। अशोक चक्र इन डार्क ब्लू कलर इन द सेंटर हैज हाउ मेनी स्पोक्स इन इट, बहुत बेसिक क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए कि अशोक चक्र में 24 स्पोक्स होते हैं। सेकंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। सेवन नेक्स्ट करेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 और लास्ट क्वेश्चन। अभी आपको ये पूरे 50 क्वेश्चंस करने दे रहा है, लेकिन एग्जाम में जब आपको 40 कंप्लीट आएंगे तो फिर उसके आगे कोई ऑप्शन आप सेलेक्ट नहीं कर सकते, तो उसके लिए आपको कोई एक जाके पीछे से हटाना पड़ेगा, उसके रिस्पॉन्स लाना पड़ेगा, तब आप फिर आगे कोई सेलेक्ट कर सकते हैं। पर हम यही सजेस्ट करेंगे पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ लीजिए, उसके बाद फिर। तो सेम पैराग्राफ फिर से क्वेश्चन है, रेशियो ऑफ द लेंथ एंड वेथ ऑफ द नेशनल फ्लैग, यानी कि इसकी रेशियो माप पूछी जा रही है। तो ये पढ़ा होगा आपने कि झंडे की माप होती है वो 3:2 होती है, तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा। तो सेवन नेक्स्ट करेंगे, तो यहाँ पे लिख के आ गया है थैंक यू फॉर कंप्लीटिंग टेस्ट, यानी कि टेस्ट खत्म हो गया है। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और बहुत इन्फॉर्मेटिव रही होगी। तो आप सभी को ऑल द बेस्ट फॉर सीट एग्जाम। हाँ, मॉक टेस्ट का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मैंने ऐड कर दिया, आप वहाँ से जाके इसको सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।